अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको डेली जॉब अपडेट में वेलकम करती हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स पंजाब में आने वाले डिफरेंट पोस्ट के बारे में बताऊंगा। आपको सब कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगे अबाउट पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, आपने इनके ऊपर अप्लाई कैसे करना है, इनके लास्ट डेट क्या है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे आपसे एक छोटे से रिक्वेस्ट की अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बल्कि प्रेस करें मेरे वीडियोज को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज पहुंच पाए और इन पर अप्लाई कर सकें। तो हमारे पास है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स पंजाब में जो पोस्ट आई है वो ट्रेनर्स मोटिवेशनल स्पीकर्स की हैं, और इसके अलावा करिकुलम डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट की हैं। हमारे पास जो फर्स्ट पोस्ट है वो ट्रेनर्स की है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो मास्टर डिग्री है। मास्टर डिग्री अगर मैथ्स कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्टडीज, मैनेजमेंट साइंसेज, सोशल साइंसेज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में इनमें से किसी एक में भी आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए 30 से लेकर 45 ईयर है एक्सपीरियंस, 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा प्रोफेशनल एक्सपर्टीज की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी फैमिलियरिटी होनी चाहिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए मेंटोरिंग, कोचिंग का, और इसके अलावा क्लासरूम ट्रेनिंग, ई लर्निंग वर्कशॉप्स का। इसके अलावा आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी लीडरशिप स्किल और मोटिवेशनल स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक्सीलेंट होनी चाहिए। इसके अलावा प्लान और मल्टी टास्क और टाइम मैनेज करने की एबिलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर स्किल्स भी होनी चाहिए, एमएस वर्ल्ड, एक्सेल, आउटलुक एंड पावर प्वाइंट में। इसके ये जो इसका टाइम पीरियड है यानी कि इस जॉब का वो 12 मंथ है, इसका टेन्योर 12 मंथ यानी कि 1 ईयर का है। पैकेज इसका 1,50,000 पर मंथ है। नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। नेक्स्ट पोस्ट हमारे पास ट्रेनिंग मॉडल करिकुलम डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट की है। क्वालिफिकेशन 16 ईयर की क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास रिसर्च स्टडीज या मैनेजमेंट साइंसेज या सोशल साइंसेज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए 30 से लेकर 45 ईयर है एक्सपीरियंस, 5 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसके अलावा जो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज में है वो आपके जो बहुत जबरदस्त आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, आपकी वर्बल और रिटन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा पेशेंट्स के साथ काम करने की एबिलिटी होनी चाहिए, टीम वर्क करना आना चाहिए। इसके अलावा आप इंडिपेंडेंट काम करना आना चाहिए और कंप्यूटर स्किल्स भी होनी चाहिए एमएस वर्ल्ड एंड एमएस एक्सेल में। इसका जो टेन्योर है इस पोस्ट का वो 3 मंथ का है। पैकेज 1,50,000 पर मंथ। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। व्यूवर्स ये तो थे हमारे पास डिफरेंट पोस्ट। अब आपने इनके ऊपर अप्लाई कैसे करना है, आपने बाय हैंड इसको एप्लीकेशन को सबमिट करवाना है अपने सीवीज के थ्रू। अपने सीवी के साथ आपने सर्टिफिकेट, अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एकेडमिक सर्टिफिकेट, इसके अलावा कॉपी ऑफ सीएनआईसी और 2 रिसेंट फोटोग्राफ्स, आपने अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एकेडमिक सर्टिफिकेट, इनकी भी फोटोकॉपी आपने साथ में अटैच करनी है, और इसको आपने 7 अप्रैल 2020 से पहले आपने इसको ऑफिस ऑफ डायरेक्टर स्पोर्ट एंड डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर पंजाब नेशनल हॉकी स्टेडियम में सबमिट करवा देने हैं। व्यूवर्स ये तो थी हमारे पास डिफरेंट पोस्ट जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह डेली जॉब की अपडेट मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन प्रेस करें, मेरे वीडियोज को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स तक जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज पहुंच पाएं, वो इन पर अप्लाई कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।